everyone, today I'm going to tell you a really important thing related to NEET exam, as most of you are really studying hard for this exam, but most of you are wasting your time on YouTube videos, right? Basically, क्या हो रहा है कि अभी NEET postponed की news आ रही है बहुत सारी, and we as I can personally feel that बहुत सारे बच्चों को ऐसा need है कि NEET exam postponed हो जाए, because काफ़ी सारा revision करना बाकी है. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपका मेन फोकस अभी आपके नीट के प्रिपरेशन पे होना चाहिए, रादर दैन जस्ट लुकिंग स्ट्रॉलिंग ऑन द वीडियोज एंड वॉचिंग कि नीट कब पोस्टपोन हो रहा है एंड क्या डेट है. यू हैव टू फिक्स इट एज 17 जुलाई ओनली. ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट थिंक दैट नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा. राइट नाउ वट यू हैव इज योर टेक्स्ट बुक, योर notes, your knowledge about the exam and also your content for the exam that is going to be asked on the exam, right? So basically you have to just focus on your exam. Mera main matlab main aim yahi hai batane ka, like you have to be self-conscious. आप अपने emotions, अपने mental state पे बहुत concentration आप बनाओ, because देखो concentration आपका lose हो जाता है जब आप notification इस type से देख लेते हो like NEET postponed हो गया, and काफ़ी सारे YouTube videos, YouTube channels इस चीज़ को और promote कर रहे हैं. like आपको आपने देखा होगा, आप किसी के videos देखते हो उसका thumbnail में लिखा होता है like NEET postponed, right? लेकिन आप जब आप click करते हो तो उसमें कुछ और ही चल रहा होता है, लेकिन आपका तो टाइम वेस्ट हुआ, यू हैव वेस्टेड योर टाइम. सो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कब टाइम वेस्ट नहीं करना है, कैसे आप बच सकते हो इससे? सो आप क्या करो, सुबह उठो और सबसे पहले NTA के साइट पे जाके चेक करो कि कुछ नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है, एंड अगर कुछ नोटिफिकेशन आया होगा न्यूज़ चैनल पर पता चल जाएगा, एंड ऑल्सो आपको NTA के साइट पर पता चल जाएगा कुछ नोटिफिकेशन अगर आया होगा नीट के पोस्टपोन को लेकर. बट ऐसा कुछ तो आया नहीं है, सो आप बेकार में ही स्क्रॉल कर रहे हो वीडियोस. क्या होता है जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जब आपको पढ़ने का मन नहीं करता, या फिर लास्ट एंड पे बहुत एंग्जाइटी हो जाती है एंड आप समझ नहीं पाते हो कि क्या करना चाहिए, आपका जो मेन फोकस होता है वो डाइवर्ट हो जाता है. इसके लिए आप क्या करो, आप टाइमर सेट कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल घड़ी में टाइमर होता है, सो आप क्या करो 30 मिनट्स का टाइमर सेट कर लो, लाइक टाइमर सेट करो फ़ोन पर एंड आप अपने माइंड को बोल दो कि देखो 30 मिनट्स के लिए कुछ भी नहीं, 30 मिनट्स के लिए मैं कहीं भी इधर उधर नहीं करना है, बिल्कुल स्टडी करना है, और 30 मिनट के बाद अपने फ़ोन चेक कर सकते हो. लेकिन फ़ोन तभी चेक करो जब आपको कुछ फॉर्मूलाज वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे स्टडी से रिलेटेड कुछ देखना है, कोई आपको वीडियोज़ देखना है, राइट? सो इस टाइप से आप अपना टाइम और एनर्जी सारा कुछ लगा सकते हो एक सिंगल प्लेस पे, बिकॉज देखो इतने सारे लोग अभी कंपटीशन एक साथ कर रहे हैं, एंड 99 वाले लोगों में नहीं होना है आपको, आपको 1% में होना है जो एम्स जाएंगे एंड बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे पढ़ेंगे, आपको 99% में नहीं रहना है, राइट? सो यू हैव टू थिंक कि आप उस 1% में कैसे आ पाओगे, एज यू नो कि जितने भी टॉपर्स हैं अभी घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, ओके वो यूट्यूब वीडियोस नहीं देख रहे होंगे, कुछ भी ऐसा पोस्टपोन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा. किसी किसी को फ़र्क पड़ रहा है, किसी किसी को नहीं फ़र्क पड़ रहा है, सो आप कुछ नहीं कर सकते हो इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकती, एंड वी कैन डू एनीथिंग. आप क्या कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, यू कैन स्टडी हार्ड. आपका जो टाइम, आपने टाइम फ्रेम बनाया था कि मैं जुलाई में कम्प्लीट करना ही है, सो आपको तो करना ही है, कैसे भी करके कम्प्लीट, यू हैव टू कम्प्लीट इट ऑन टाइम, क्योंकि एक महीने में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? लेकिन आप उसी टाइम को सोचो कि आपके पास कितने आवर्स हैं, क्या उस आवर्स को क्या आप पहले मैनेज कर सकते हो, क्या आप थोड़ा जल्दी उठ सकते हो. आप 4 बजे उठ के देखो, आप जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात में आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करने में एंड ऑल दैट. खाना खाने के बाद आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो इस टाइप से, तो आप क्या करो, बेसिकली आप देखो कि आपको रात में टाइम अगर ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, सो आप उसी चीज़ को सुबह मॉर्निंग करने का ट्राई करो, लाइक रात में आप 8-9 बजे सो जाओ एंड सुबह आप 3-4 बजे उठो, एंड ट्रस्ट मी अगर आप 3 बजे उठोगे ना, तो 3-4-5-6-7 इस टाइप से आपका बहुत सारा टाइम आपको मिलेगा. आप 10 बजे ऐसा फील करोगी लाइक आपने पूरे दिन रिवाइज किया है, और 10 बजे के बाद तो आपके पास पूरा टाइम ऑलरेडी होगा रिवाइज करने को. एंड ऑल्सो प्लीज़ इंक्लूड वर्कआउट, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड वर्क आउट, यू शुड ईट हेल्दी, बिकॉज
आज दिल्ली में जो लोग रहते हैं काफ़ी ज़्यादा हीट स्ट्रोक एंड बहुत ज़्यादा हीट वेव्स है यहाँ पर, आपको अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। आप क्यूकम्बर खा सकते हो एंड ऑल्सो सैलड खा सकते हो, ज़्यादा ऑयली चीज़ अवॉइड करो खाना। सो देखो, आपका सिर्फ पढ़ाई नहीं है, यू हैव टू थिंक ऑफ ओवरऑल, ठीक है। पानी पियो, यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, नींबू पानी नींबू एंड ऑल दिस थिंग्स। व्हाट आपको कोई मोटिवेशन वीडियोस की ज़रूरत नहीं है।